एविवन मैसेल प्रमोदा का डियर इस सेशन में हम हमारा जो जेई का फिजिक्स इको है उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस का जो पास है 11, वो करने जा रहे हैं। तो चलिए लेन की बात करते हैं कि प्लेट सेपरेशन इन ए पैरल प्लेट कंडर इज डी एंड प्लेट एरिया इज कैपिटल ओके और इट इज वी वोल्ट एंड बैटरी इज इन इंक्रीजिंग प्लेट सेपरेशन टू टू डी विल बी मतलब इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर है और इस पैरेलल प्लेट कंडेंसर को अपन ने एक बेटरी से चार्ज किया जिसका ईएमएफ जो है दैट इज कैपिटल ई वी वी दिया है शायद क्वेश्चन में दैट इज कैपिटल कोई दिक्कत नहीं और अब अपन ने इसको चार्ज करने के बाद इसकी प्लेट्स के सेपरेशन को इंक्रीज किया तो यदि आपने बैटरी रिमूव कर दी दैट मींस चार्ज ऑन द प्लेट्स बिकम्स कांस्टेंट तो चार्ज जो होगा प्लेट्स पर दैट उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सीवी

किसके क्लोजेस्ट होगा हमने कहा देखो बहुत सिंपल तरीके से ब्रांच के लास्ट वाले पार्ट से शुरू करते हैं ये तीन कैपेसिटर है थ्री माइक्रोफेड थ्री माइक्रोफेड थ्री माइक्रोफेरिड के तो यदि अपन इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सी बाई थ्री वाला केस मतलब थ्री बाई थ्री माइक्रोफेरिड यहां से सिचुएशन विल बी लाइक दिस और इनके प्लेस पर अपने पास थ्री माइक्रोफेरिड आ गया

एलसीएम की बात करोगे एलसीएम विल बी ट्वेल्व इट इज थ्री प्लस फोर प्लस फोर सो दैट इज़ इलेवन बाई ट्वेल्व मतलब मैं इन सबके प्लेस पर इन सब के प्लेस पर एक कैपेसिटर लगा सकता हूं दैट इज ऑफ इलेवन बाई ट्वेल्व अब ये इलेवन ट्वेल्व इलेवन वन बाई सी इक्वल दिस वन इज थ्री थ्री वैल्यू कम्स ट्वेल्व एंड दैट इज फोर्टी फाइव बाई इलेवन मतलब इन दोनों के प्लेस पर फोर्टी फाइव बाई इलेवन लगाया और यह जो फोर्टी फाइव बाई इलेवन है ये बेटा जी इस थ्री

अब ये थ्री के साथ किस में है पैरल में तो इनका यदि मैं इक्वेलेंट कैलकुलेट करता हूं थ्री प्लस फोर्टी फाइव बाईन प्लस फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फोर्टी वन दैट वेल्यू कम्स एट सिक्स बाई फोर्टी वन तो इसके प्लेस पर मतलब इन दोनों के प्लेस पर 168 डिवाइडेड बाय 41 डाला। नाउ दिस थ्री आर इन नाउ सीरीज। तो सीरीज में वन बाई सी बाई थ्री प्लस फोर्टी वन डिवाइडेड बाई वन सिक्सटी एट तो एल सी एम आएगा। दिस विल बी टू टाइम्स ऑफ वन सिक्सटी एट को डिवाइड करते हैं सो दिस वैल्यू कम्स एस फिफ्टी सिक्स प्लस में फोर्टी वन

जब दो कैपेसिटर्स जैसे ये कैपेसिटेंस C1 है V1 पोटेंशियल तक चार्ज है ये कैपेसिटेंस C2 है V2 पोटेंशियल तक चार्ज है यदि दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है ये C1 है VC कॉमन पोटेंशियल आया ये C2 है VC कॉमन पोटेंशियल आया तो चार्ज कंजर्वेशन जब अपन अप्लाई करते हैं कि C1 V1 C2 V2 दैट वैल्यू कम्स अस C1 C2 में VC तो VC की वैल्यू जो मेरे पास आ रही is is है वैल्यू इज कमिंग एस सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू डिवाइडेड बाय सी वन प्लस सी टू चलिए अप्लाई करते हैं अपन है ना मान लो 20 माइक्रो माइक्रोफेड को ट्वेंटी सी कर देता हूँ और इसको मैं थर्टी सी कर देता हूँ तो ये डाटा मेरे पास आया ट्वेंटी सी इन टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज थर्टी प्लस में थर्टी सी इन पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ट्वेंटी डिवाइडेड बाई द टोटल कैपेसिटेंस दैट इज ट्वेंटी सी प्लस दिस वैल्यू कम्स एज सिक्सटी सी ट्वेंटी सी वन ट्वेंटी सी डिवाइडेड बाई फिफ्टी सीद्यूज बाईव सी बी 12 सिक्स 5 दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड सो इट इज वन 5. बाई फाइव सो दोटेंशियल डिफ्रेंस ट्वेंटी 24 वोल्ड सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. देखो 5 में क्या कहा जा रहा है

यदि अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते वन बाई थ्री प्लस वन बाई सिक्स दैट वैल्यू कम से टू माइक्रोफेरेड तो हमारे पास सिस्टम में एक्चुअली में टू माइक्रोफेरेड और टू माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं कैसे पैरेलली और यहां एक दो वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है अब ये दो और दो रिजल्टेंट कितना चार तो टोटल तो एनर्जी की बात की गई दैट इज हाफ सी इक्वलेंट इंटू वी स्क्वायर

ये जो दो कैपेसिटर्स है ना सबसे पहले डी टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज तो रिजल्टेंट कितना सी सिस्टम बनाते चलते हैं यहां पर अपने पास सी है यहां पर अपने पास सी है यहां पर अपने पास सी है और यहां पर अपने पास सी बाई टू है देखो ये दोनों कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलली है तो रिजल्टेंट कितना थ्री सी बाई टू तो हमारा जो सिस्टम बना वो कुछ ऐसा बना ये सी ये वाला थ्री सी बाई टू और ये वाला सी अब देखो ये सी और ये थ्री सी बाई टू इनका रिजल्टेंट यदि अपन निकालेंगे तो इनका रिजल्टेंट आएगा सी थ्री सी बाई फाइव पैरेलली कनेक्टेड है तो रिजल्टेंट विल, तो विल बी एट सी बाई फाइव एट सी बाई फाइव के अकॉर्डिंग बात करोन पॉइंट सिक्स आगे बढ़ाते हैं बात को क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन

यदि मैं ऐसा कहूं कि टू माइक्रोफेरेट थ्री माइक्रोफेरेट और फाइव माइक्रोफेरेट और इनके साथ अपन ने एक वी नोट पोटेंशियल की बैटरी लगा दी अब सुनना जरा बात को यदि मैं तीनों का एलसीएम देखता हूं तो तीनों का एलसीएम आता थर्टी सी तो इसके लिए थर्टीसी के फिफ्टीन कैपेसिटर्स यदि मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो रिजल्टेंट टू सी आते हैं

मतलब ये कॉम्बिनेशन सिस्टम को मैक्सिमम 31/5 का पोटेंशियल डिफरेंस सस्टेन करने के लिए रख सकता है अलाउ कर सकता है ये वाला जो है 10 v not डिवाइडेड बाय 31 दैट वैल्यू इज 2 सो फ्रॉम हियर v not इज अगेन 31/5 तीसरे वाले से यदि मैं बात करूं 6 v not डिवाइडेड बाय 31 दैट वैल्यू इज 1 तो ये जो v not है ये मैक्सिमम 31/6 वोल्ट जो है वो अलाउ कर सकता है सिस्टम को

तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू एक्स होता है अब देखो जैसे इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यदि है है। तो इसमें कितना जीरो कंडक्टर इस वाले में भी e होगा इस वाले में कितना होगा ई e K? और इस वाले में कितना होगा ई e. तो इस वाले रीजन में मतलब यहां से यहां दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस पोजिशन ग्राफ तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई है

इलेवन में बोला गया एट द कैपेसिटी ऑफ ए स्पेरिकल चार्ज कैपेसिटी इज सीवन वेन इनर स्पेयर इज चार्ज एंड आउटर स्पेयर इज अर्थंड सी टू वेन इनर स्पेयर इज अर्थंड एंड आउटर स्पेयर इज चार्ज सीवन बाई सी टू देखो यदि इनर स्पीयर चार्ज और आउटर स्पीय अर्थंड होता है ना तो इस पे चार्ज यदि क्यू है तो इसपे माइनस क्यू चार्ज निकल के आता है तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है

इनर पे चार्ज की वैल्यू निकल के आती है माइनस क्यू बी बाई ए सॉरी चार्ज की वैल्यू को जीरो पोट करके चेक कर लेते हैं बाहर वाले पर है के क्यू अपोन बी अंदर वाले पर है के क्यू डैस अपोन इज इक्वल टू जीरो सो क्यू कम्स माइनस क्यू ए अपोन बी थोड़ा सा डाटा गलत लिखा गया ना इस वाले केस में इनर वाले को अर्थंड किया है, तो इस पे चार्ज आता माइनस क्यू ए अपॉन बी अब जब अपन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रखते हैं ना देखो इस वाले केस में आउटर प्लेट जो है ना दैट इज द पॉजिटिव प्लेट एंड इनर प्लेट इज द नेगेटिव प्लेट तो अपन जो पोटेंशियल डिफरेंस ये रख रहे होंगे वी विल पुट इट विद माइनस साइन देन माइनस क्यू ए साथ में वन अपॉन ए माइनस

क्वेश्चन में ये कहा गया कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए चार्ज कांस्टेंट है बैटरी हट चुकी है ट्यूशन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेम मतलब लैंग्वेज से बात को पोटें तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने के लिए डिस्टेंस को 1.6 mm से बढ़ाना पड़ा दैट मींस कैपेसिटेंस सेम रखना चार्ज तो सेम है पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है मतलब q टू सीवी भाई बैटरी हट गई तो चार्ज सेम है तो आपको कैपेसिटेंस वही चाहिए जो पहले था पहले कैपेसिटेंस कितना था एप्सिलॉन नॉट a/d बाद में आपने क्या किया? प्लेट सेपरेशन को 1.6 से बढ़ाया तो d plus 1.6 माइनस में t प्लस में t बाई k अब मुझे d k की वैल्यू चाहिए epsilon note a से epsilon note a तो सही हो गया मतलब ये वाला डाटा इसके बराबर है d is equal to d माइनस में 0.4 प्लस 2 बाई k देखो mm वाला डाटा इफेक्ट नहीं करेगा ये mm में ये mm में d तो सही हो गया वैसे भी तो यहां से 0.4 जो आ रहा है ना वो 2 बाई के इक्वल निकल के आ रहा है, तो मेरे K की जो आ रही है 2 डिवाइडेड बाय 0.4 वैल्यू कमिंग सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन के बाद 14 में देखो क्या कहा जा रहा है फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बिटवीन द प्लेट्स वैन द सेपरेशन बिटवीन दम इज हाफ्ट

बैटरी एक बैटरी के रेशियोटें डाइलेक्ट्रिकल एक्चुअली में पहले एक कैपेसिटर है इसको C1 कह दिया और इस वाले को क्या कह दिया सी टू तो मुझे पता कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट विल बी सी टू अपॉन C1 अपोजिट में चलता है

17 जैसा क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन वाला सा होता पर बहुत आसान तरीके से डील हो सकता है आपको कुछ नहीं करना एक्चुअली में ना ये जैसे ये ही दोनों ग्राउंड वाले को पकड़ के खींच के मिला दो बात खत्म क्वेश्चन में बोला गया इन द सर्किट शोन इन द फिगर सी टू सिक्स माइक्रो चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इस कैपेसिटर में इस चार्ज कितना स्टोर होगा मैंने कहा देखो ऐसा है यदि सर्किट को देखें तो ये दोनों कैपेसिटर्स जो है, वो सीरीज में और सीरीज में होता है और इन दोनों का आएगा तो चार्ज की वैल्यू जो आएगी 10 2, c 3, c 6 this, इस पे जो चार्ज निकल के आ रहा है सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन के बाद क्वेश्चन नंबर एटीन

रजिस्टिविटी जो है ना ग्लास की दैट इज रो ये पूछा गया कि इसमें द द द लीकेज करंट ऑफ कैपेसिटर वोल्टेज वी इज अप्लाइड टू इस इस पर जब अपन ने वी वोल्टेज अप्लाइड किया तो इस पे लीकेज करंट की वैल्यू कितनी आई मैंने कहा सुनो भाई देखो सीधी सीधी बात इतनी है जैसे ही मैंने कहा यदि वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट की वैल्यू जो होती है ना वो सीधी सीधी वी बाई आर से दी जाती है और रेजिस्टेंस जो है वो रो एल बाई ए से दिया जाता है एल प्लेट सेपरेशन है

अब ये वाला कैपेसिटर हट गया तो हमारे सिस्टम में ये सिचुएशन आ गई ये दोनों सीरीज में तो सी बाई टू ये दोनों सीरीज में तो सी बाई टू और ये सी तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तीन कैपेसिटर्स हैं सी बाई टू सी बाई टू और सी

और ये बी से ग्राउंड पे और ये ग्राउंड से किस पे ए पे तो बी से ग्राउंड पे और ग्राउंड से ए पे दो माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर है टू सी टू सी दिस वन इज टू सी दिस वन इज टू सी एंड पॉइंट इज ग्राउंडेड तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना सी ये टू सी ये टू सी और ये सी तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी बेटा 5C सो द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन दिस केस इज 5 माइक्रो फैरड चलिए 20 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 इसमें बोला जा रहा है इन द सर्किट सोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बतलाना है हमने कहा सुनो देखो ऐसा है सबसे पहले थ्री सी और सी की बात करते हैं किस में सीरीज में तो थ्री सी बाई फोर तो अब यदि मैं सर्किट की बात करूं वन इज थ्री सी एंड दिस वन इज 3c by 4 फोर एंड दिस वन c सी नाइनटी वोल्ट तो यहां से यदि अपन बात करें तो ये c और ये वाला आ गया 15c by 4 यदि मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूं v2 दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज c1 वन c1 सी वन प्लस सी टू में टोटल पोटेंशियल करने पर डाटा आ रहा है इसका मतलब मतलब इसके भी भी 40 volt across potential drop 40 का का है, है, इस वाली के तो यहां पर जो सी और लगे हुए हैं, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी चालीस वोल्ट का है अब मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए कर इसको, टू में टोटल पोटेंशियल तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो 3C के क्रॉस निकल के आ रहा 10 तो और के जो है बोला जा रहा है प्लेट्स इज कैपिटल एकेट सेन द्लेट्स जीरो पॉइंट एट डी स्टडी स्टेट 0.8d जीरो पॉइंट एट 0.8d है कुछ इस इंफॉर्मेशन दी गई है कि स्प्रिंग वाज अनस्ट्रेस्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वाज डी व्हेन द कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड जब ये स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड थी कैपेसिटर अनचार्ज्ड था तो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी था अभी डी है सुनो इसकी दोनों प्लेट्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो होता है c² v² डिवाइडेड बाय 2ε₀ और जो अट्रैक्शन फोर्स है वो एक्चुअली बैलेंस हो रहा है किससे यदि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 0.8 डी हो गया मतलब स्प्रिंग इधर खींची है कितनी 0.2 डी से एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन आई हैव टू कैलकुलेट के और जो सी है वो नया वाला सी है सी की वैल्यू किसके इक्वल है एप्साइलर नोट ए डिवाइडेड बाई जीरो का स्क्वायर डाटा रख देते एप्साइलर नोट ए में वी स्क्वायर कैपिटल ई e स्क्वायर लिख दो टू

डायरेक्टली जोड़ दो जैसे ही इन दोनों को अपन ने कनेक्ट किया देखो यहां से यदि मैं कॉमन पोटेंशियल निकालता हूं तो सी वन वी वनस सी टू वी टू माइनस जाएगा जुड़ी हुई तो इस वाले केस में वीसी जो मैं निकालूंगा दैट इज वन इंटू हंड्रेड माइनस में टू इंटू ट्वेंटी दैट इज सिक्सटी डिवाइडेड बाई थ्री मतलब कॉमन पोटेंशियल जो आ रहा है वो बीस वोल्ट का निकल के आ रहा है यदि कॉमन पोटेंशियल 20 वोल्ट का आ रहा है तो बाद की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन पे बात करना इस पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल तो वो, प्लस और माइनस ये भी प्लस और माइनस और इस वाले पर जब आप चार्ज की बात करोगे तो दो माइक्रोफेरेड इस पर चार्ज आएगा चालीस माइक्रोकुल इस वाले पर चार्ज आ रहा है फोर्टी माइक्रोकुल सुनो बात को इस पे इनिशियल जो चार्ज था यहां वाले पर वो इनिशियल चार्ज था अपने पास 20 इंटू टू दैट इज 40 और बाद का चार्ज भी है 40 लेकिन पहले इस पर नेगेटिव था फिर प्लस हुआ इसका मतलब इधर वाली ब्रांच से कितना माइक्रोकोलॉम चार्ज गया 80 किधर गया ग्राउंड में इस पे अब कितना बच रहा है यदि अब अपन चार्ज की बात करें तो इनिशियल जो चार्ज था इसके ऊपर दैट चार्ज इज हंड्रेड मतलब जो ये वाली ब्रांच है इससे एट्टी माइक्रोकाम फ्लो करके गया है इससे 80 माइक्रो इस वाले पर यदि आप बात करोगे इस पर पहले प्लस चार्ज था, अब में भी करूं सुनो ये S1 है इस पर पहले हंड्रेड माइक्रोकुल चार्ज था अब बीस माइक्रोकुल चार्ज बचा है इसका मतलब एस जो है ना उससे भी कितना माइक्रोकुल चार्ज फ्लो करके गया इधर वाली डायरेक्शन में एट्टी माइक्रोकुल अकॉर्डिंग टू दिस यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं हर हर एक एक से से 80 हर एक switch से 80 करके जा रहा है ठीक बात चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 24 तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइव कंडक्टिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन देम इज स्मॉल डी सबके बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी है एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए प्लेट नंबर वन टू थ्री आर कनेक्टेड विद ईच अदर एक दो तीन एक तीसरे के साथ कनेक्टेड है चार्ज ऑन द प्लेट नंबर वन प्लेट नंबर एक पर चार्ज की वैल्यू क्या होगी हमने कहा जी साब देखो ऐसा है वन और टू के बीच में वन जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है टू भी बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है थ्री भी पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो गिवन सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी कि थ्री और फोर पर ऐसे चार्ज आएगा फोर और फाइव पर ऐसे चार्ज आएगा इस प्लेट पर कोई चार्ज नहीं होगा चार्ज नहीं प्लेट पर कोई चार्ज नहीं इस तो प्लेट वन जो है, उस पर मतलब साइड में, भी टाइप, किसी भी में कोई चार्ज नहीं तो प्लेट वन जो है उस पर नेट चार्ज की वैल्यू जो होगी दैट विलो चलिए फोर के बाद क्वेश्चन की बात करते हैं ट्वेंटी में बोला गया इन सोन फिगर ईच कंडीशन स्टेट विल बी स्टडी स्टेट में हर एक कंडेंसर पर चार्ज पूछा गया सुनो देखो स्टडी स्टेट में ये वाली ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी ये वाली ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो एक्चुअलिटी का रेजिस्टेंस है यहां पर 16 वोल्ट की बैटरी और यहां पर चार ओम का रेजिस्टेंस है तो इसके टर्मिनल्स पर ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 8 वोल्ट का होगा मतलब इसके टर्मिनल्स पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 8 वोल्ट का है तो इसके टर्मिनल्स पर कितना होगा चार वोल्ट और इसके टर्मिनल्स पर कितना होगा चार वोल्ट हर एक के अक्रॉस अक्रॉस इसके भी चार वोल्ट इसके अक्रॉस भी चार ऊपर तो चार्ज कितना आएगा चार्ज विल विल्वेल्व माइक्रो कुल बोलो ठीक है क्या सर चलिए ट्वेंटी फाइव के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखो क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम चार्ज दे कैन स्टोर कॉम्बिनेशन विल बी कहा देखो सबसे पहले तो एट माइक्रो फेरेड को कह दो सी तो सिक्सटीन फेरेड जो हो गया वो टू सी हो गया अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनका सीरीज कॉम्बिनेशन है और वो मैक्सिमम चार्ज कितना रख सकता है उसके बारे में बात की गई है मैक्सिमम तो चार्ज मतलब मैक्सिमम वोल्टेज अब ये सी और ये टू सी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा टू वी नोट बाई थ्री और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी नोट बाई थ्री ये सस्टेन कर सकता है ट्वेंटी वोल्ट तो यहां से देखोगे तो 2v not by 3 इसकी वैल्यू 20 के इक्वल डालोगे तो v नोट आएगा 30 वोल्ट मतलब ये मैक्सिमम सर्किट पर सीरीज कॉम्बिनेशन में 30 वोल्ट परमिट करेगा और इधर वाले के अकॉर्डिंग बात करोगे तो v नोट बाय 3 दैट वैल्यू कम्स एज 80 तो ये मैक्सिमम जो सस्टेन करेगा दैट इज 240 वोल्ट अब ये 30 वोल्ट सस्टेन करेगा ये 240 करेगा तो ये पूरा सिस्टम मैक्सिमम 30 सस्टेन कर सकता है अच्छा

27 में बोला गया कि तीन प्लेट है एबीसी हर एक का एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर और प्लेट के बीच का सेपरेशन 0.885 mm है। एक 10 वोल्ट की बैटरी जो है सिस्टम को चार्ज करने के लिए लगाई गई है तो सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी सुनो बात को इन प्लेटों पर चार्ज ऐसे होंगे मतलब दो कैपेसिटर दोनों किसमें कनेक्टेड है की वैल्यू एपसाइल एन नोट माइनस ट्वेल्व इन टू में एरिया दट इज जीरो पॉइंट वन डिवाइडेड बाई डी दट इज एट पॉइंट एट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस फोर इन टू में दिस वन इज हंड्रेड अब ये तो सही हो गया यहां से पावर देखोगे तो चार आठ नो टेन की पावर माइनस सेवन जूल एनर्जी आई अब टेन की पावर माइनस सेवन जूल एनर्जी आई दीरो पॉइंट वन जूल

रो और सिग्मा के लिए अपन जो लगाते हैं वो जे सिग्मा या फिर रो, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी दिया हुआ हो तो अब करंट डेंसिटी टेन एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टेन की पावर फाइव एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइव वोल्ट पर सेंटीमीटर है तो फाइव वोल्ट फाइव हंड्रेड वोल्ट पर मीटर हो जाएगा फ्रॉम हिस्टर टी सिग्मा तो सिग्मा की वैल्यू जो आई

इसको अपने एक बैटरी के साथ लगा रखा है ना हो तो कैपिटल तो होता है अब कैपिटल आर की वैल्यू यदि उस रेजिस्टेंस के पास जा रही है जिसमें पावर इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम पावर आ रही है तो पहले पावर इंक्रीज करेगी उसके बाद यदि कैपिटल आर की वैल्यू पांच से ज्यादा की जाएगी तो पावर क्या करेगी डिक्रीज

इसके रेजिस्टेंस को आर कर दें इसको आर कर दें इसको आर कर दें और इसको आर कर दें और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन पी से 220 बाय 220 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 484 ओम आ गई 22 इनटू 22 अब यहां से देखो ये आर ये आर ये आर ये आर तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आर बाई ये आर बाई थ्री और ये आर कितना फोर आर तो पावर कंज्यूम्ड हो गया वी डिवाइडेड बाई फोर आर डिवाइडेड बाई थ्री चलिए इट इज टू में टू

डिफ्लेक्शन वन बाई फाइव हो गया इसका मतलब तभी होता तो है देखो कि भाई साहब इधर से जी लगा हुआ है इधर से फोरम लगा हुआ है यदि पहले करंट आई नोट आ रही थी तो इधर आई नोट बाई फाइव गई और इधर फोर आई नोट बाई फाइव गई अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है पैरेलली तो जी की वैल्यू सोल्व करने पर यहां से सिक्सटीन ओम निकल के आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई तो नोट बाई फाइव इंटू जी इक्वल्स टू फोर आई नोट बाई फाइव इंटू में फोर <coughs> तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस सिक्सटीन ओम आ रहा है गैलवेनोमीटर इज फर्दर 2 ओम वायर मतलब इसके साथ एक और 2 ओम का वायर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग क्या हो जाएगी गैल्वेनोमीटर। इनिशियल करंट इज गैल्वेनोमीटर इज आई नोट गिवन मैन करंट रिमेंस, मैन करंट सेम रह रही है हमेशा देखो ये जी मतलब 16 वाला फोर ओम और टू ओम का रजिस्टरेंगे तो दैट इज 4 बाई अब इसमें से करंट आई वन जा रहा है

चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं थर्टी टू के बाद नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर देखो 33 में क्या कहा जा रहा है कि इन द गिवन सर्किट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द थ्र रजिस्टेंस ट्वेंटी थ्री एम और वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो आर की वैल्यू बतानी है देखो इस सिचुएशन में यदि मैं रेजिस्टेंसेस को लेकर बात करता हूं ये ट्वेंटी ओम और ये फिफ्टी ओम का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों एक दूसरे के पैरली कनेक्टेड है इसमें से करंट जा रहा है जीरो पॉइंट थ्री एम पास

ई e के क्रॉस ई एम एफ e के लिए तो तुमने कहा v by l में l 3 दैट इज कैपिटल e मतलब कैपिटल e की वैल्यू जो है v by 3 है अब बोला यह गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय l by 2 बाकी कुछ नहीं बोला गया मतलब vab को क्या मानना है कांस्टेंट तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द व्हाट डिस्टेंस विल द सेम सेल विल गिव अन अ बैलेंस पॉइंट तो मैंने कहा देखो अब नया जो Φ होगा दैट विल बी v डिवाइडेड बाय टोटल l 3 2

मतलब आर वन के साथ जोड़ोगे तो पावर सेम होगा R2 के साथ जोड़ोगे तो भी पावर सेम होगा सेल का करंट की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन स्मोल आर प्लस कैपिटल R1 तो आई स्क्वायर आर वन और R2 के, के केस में आई स्क्वायर आर करंट अलग अलग होगी दोनों केसेस में बट स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर एक काम करो अंडर रूट मार दो

इधर बच गया मेरे पास रूट आर और इधर बच गया रूट आर अब रूट आर माइनस रूट आर से रूट आर माइनस रूट आर तो गया तो स्मॉल R की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज अंडर रूट आर वन आर टू सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर चलिए 37 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 38 में बोला जा रहा था टू वायर्स ऑफ सेम डायमेंशन बट रेजिस्टिविटी रो वन एंड रो टू आर कनेक्टेड इन सीरीज ओके द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी कॉम्बिनेशन की इक्वलेंट रेजिस्टिविटी पूछी गई है हमने कहा देखो l और l लेंथ के हैं एरिया a है एक वायर की रेजिस्टिविटी रो1 है एक वायर की रेजिस्टिविटी रो2 है इन दोनों के प्लेस पर मैंने एक सिंगल वायर लगाया है रो इक्विवेलेंट का और जिसकी लेंथ 2l है तो मैंने कहा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज r1 plus r2 तो ये आ गया रो इक्विवेलेंट में लेंथ 2l a पहले वाले का रेजिस्टेंस रो1 l1 upon a दूसरे वाले का रेजिस्टेंस रो2 l2 upon a

टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ चार्जिंग ऑफेसिटर से टाइम देखो ना तो कैपेसिटर करते क्या है जो बैटरी जो होती है ना उनको शॉर्ट सर्किट कर देते, देते. आइडियल तो आपका कैपिटल आर शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब कैपेसिटर सी के अक्रोस इसके अक्रोस इसके इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रोस कोई बात नहीं नहीं मारा ना बुरा नहीं मानते ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है ये रेजिस्टेंस टू आर

दोनों पैरल में कनेक्टेड है तो वो होगा सॉरी आर अपॉन आरजी दैट इज थ्री बाई फोर तो यहां से रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो आ रही है दैट इज कमिंग एज थ्री बाई फोर आर जी सो अकॉर्डिंग टू करेक्ट आंसर चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को 41 के बाद क्वेश्चन नंबर 42. 42 में ये बोला जा रहा है कि इसमें से फ्लो तो मुझे एम्पियर तो मतलब तो की दो एम्पियर की अब देखो ये दो और ये जो है ये भी दो तो रिजल्टेंट कितना वन ये वन और ये टू तो इसका मतलब थ्री मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये ये थ्री ओम है थ्री ओम में से करंट है दो की। अब ये दोनों कनेक्टेड इसमें मतलब इस से इसमें से, मतलब इस से करंट है यहां पर बैटरी अब इस बैटरी से जो करंट फ्लो करके जा रही है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट फोर ओम तो फोर ओम के लिए करंट जो है यदि थ्री आ रहा है From here we can say that the equivalent potential is 12 volt. So according to this, first one is the correct answer. चलिए 42 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 में बोला जा रहा है कि in the figure the potentiometer wire of length L is equal to 100 centimeter and resistance 9 ohm is joined to a cell of EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm. Okay? दूसरी cell है जिसका EMF 5 volt है internal resistance 2 ohm है। इसको diagram के according जोड़ा गया है। Galvanometer zero deflection दिखाता है कब? जब length AC की value पूछी गई है।

वो केवल इतना बचा तो ये टू ये टू ये टू ये टू तो इनका वन तो इसका थ्री मतलब तीन रजिस्टेंसेस इधर मेरे पास लग गया थ्री ओम इधर मेरे पास लग गया टू ओम इधर मेरे पास लग गया टू ओम अब इन तीनों का इक्वल निकालना है पैरेलल में तो थ्री टू और टू टू और टू का वन तो थ्री और वन दैट थ्री बाई फोर इज दी आंसर

ये भाई साहब दो रिवर्स पोलियरिटी के साथ है। तो यदि रिवर्स पोलियरिटी के साथ है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? E अब मैंने कहा करंट आई की वैल्यू जो होगी होगी ई माइनस कितने सेल्स रिवर्स में दो तो दो का डबल चार अपॉन रेजिस्टेंस एनआर तो ई एम एफ जो है वो ई प्लस आई आई इज एन माइनस फोर इन टू में ई डिवाइडेड बाई एन आर इन टू में आई आर आर गया तो एन माइनस में फोर ई में यहां से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है सॉरी एंड इज एनी टू कॉमन लिया टू कॉमन लिया तो एन माइनस टू डिवाइडेड बाई एन ई एम है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल ए और बी सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर चलिए फोर्टी फाइव के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी

पावर जनरेट होती है दैट इज i स्क्वायर इनटू में r तो यहां से थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब डेल्टा थीटा की वैल्यू जो आ रही है दैट इज i स्क्वायर r डिवाइडेड बाय लैम्डा अब टेंपरेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर यदि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है तो अपन यही मान के चलेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो थीटा नॉट

चलिए 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं 47 में बोला गया कि चार हैं जो तो एक डीसी बैटरी से जुड़े हुए हैं मैक्सिमम पावर किसके अक्रॉस डेवलप होगी देखो सुनो ये दोनों का तो जीवन ही खत्म है ट्वेल्व ओम और थर्टी सिक्स ओम दोनों किस में कनेक्ट दोनों शॉर्ट सर्किटेड है तो इनसे तो कोई पावर जनरेट नहीं होगी अब जो पावर जनरेट होगी वो तीन ओम या छह ओम से देनी है तो इन दोनों के अक्रॉस जो है

लेंथ इसकी l है व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सर्फेसेस के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है मतलब एक बैटरी का टर्मिनल यहां कनेक्टेड है एक यहां कनेक्टेड है हमने कहा सुनो देखो बहुत सारे सिलेंडर्स वन बाय वन मतलब मैंने कहा एक स्मॉलर रेडियस और dr थिकनेस का सिलेंडर ऐसे सिलेंडर्स को यदि मैं 1 बाय 1 जोड़ दूं ठीक है तो ये सारे सिलेंडर्स जो हैं एक के ऊपर एक सुपरपोज आर से टू आर रेडियस तक इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो ये सारे सोचो एक से करंट निकली दूसरे दूसरे में 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 से तीसरे में, तीसरे चौथे तो सारे किस कनेक्टेड हुए सीरीज में। अब इसका रेजिस्टेंस यहां, यहां जा रहा है कितनी डिस्टेंस चल के गया? D

49 में बोला गया कि पांच सेल हैं, आइडेंटिकल है पैरेलली कनेक्टेड है तो ईएमएफ कितना ई इंटरनल रेजिस्टेंस कितना r/5 बोला नाउ पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द सेल इज रिवर्सड परसेंटेज चेंज इन इक्विवेलेंट ईएमएफ एक सेल की पोलैरिटी में चेंज कर दिया तो वो चार का तो ई e आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस r/4 आएगा तो मैंने फार्मूला लगा दिया e1/r1

चाहे वन और थ्री के बीच निकालो सेम आएगा अब वन और टू के बीच यदि मैं निकालना चाहूं देखो एक रेजिस्टेंस आर ऐसे कनेक्टेड है वन से थ्री के बीच एक रेजिस्टेंस आर ऐसे कनेक्टेड है फोर के बीच एक रेजिस्टेंस आर और आर ऐसे कनेक्टेड है ये, ये इक्विपोटेंशियल है तो ये अटके अब सुनो ये दोनों टू ये दोनों टू ये टू और टू पैरेलल में तो कितना आर फिर आर और आर पैरेलल में तो कितना आर बाई तो वन और टू के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर बाई और वन और थ्री के बीच भी इक्वल रेजिस्टेंस आर बाई टू सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर चलिए सर तो अब आप अपन इंटीजर वाले सेक्शन में बात करते हैं इंटीजर वाले सेक्शन में क्वेश्चन नंबर वन जो है उसमें बोला गया इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी ए और बी के बीच इफेक्टिव कैपेसिटेंस चाहिए देखिए ये दो माइक्रो फेरेट और ये दो माइक्रो फेरेट किस में कनेक्टेड है पैरल में तो इक्वलेंट कितना चार अब मैंने कहा इधर चार और इधर भी चार फिर इधर चार और इधर भी चार अब ये चार और चार का इक्विलेंट कितना दो ये चार और चार का इक्वलेंट कितना दो और ये दो और दो किस में लग गए भाई ये दो और दो और किसमें पैरल में तो पैरल में कितना फोर माइक्रोफेरेट सो अकॉर्डिंग टू दिस पहले वाले का आंसर जो आ रहा है इज चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में अपने को बोला जा रहा है कि एक दो माइक्रोफेरेट का कंडेंसर है उसको 200 वोल्ट तक चार्ज किया और बैटरी को हटा दिया ऑन कंबाइनिंग दिस विद अनोदर अनचार्ज कंडेंसर इन पैरल

थ्री में बोला जा रहा है करंट इन द सर्किट कंटेनिंग ए बैटरी ऑफ टू ओम रेजिस्टेंस के साथ लगाया बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है दो ओम की रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के साथ की करंट दे रही है एडिशनल लगाया ना ओम का तो सेम बैटरी जो है वो का करंट ऑब्जर्व कर रही है तो हमें चाहिए कि इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमने कहा देखो सबसे पहली चीज ई स्मॉल स्मोल प्लस टू डेट वेल्यूज नाइन और एडिशनल रेजिस्टेंस लगाने पर करंट डिक्रीज हो रहा है मतलब सीरीज में लगाए

अब ये रेजिस्टेंसेस दिस मतलब वोल्टमीटर लगाने के बाद ये ये 50 है दिस शुड बी 25 सीरीज में कनेक्टेड यदि इन दोनों का इक्विवेलेंट 25 आ रहा है तो ये 50 है ये कैपिटल आर जो है ये भी 50 किलोम ही होना चाहिए अब ये भी 50 किलोम ये भी 50 किलोम तभी तो 25 किलोम आएगा तो ये 50 और 25 तो रेशियो 2:1 बन जाएगा तभी तो पोटेंशियल का रेशियो 2:1 बन जाएगा इसका मतलब यदि इस वैल्यू को मैं 5x इक्वल लगता हूं, तो करने पर x की वैल्यू जो मेरे पास रही, 10. So 4 का जो है, 10. की बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 16 एमपियर एग्जिस्ट इन क्रॉस एंड लेंथ अज्यूमिंग वन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर विल बी वायर में

एट मोलर मास के फॉर्म में लिखोगे इनटू में एन ए दैट इज सिक्स 10 की पार 23 थ्री यह तो हो गया स्मॉल एन की वैल्यू अब यहां से आई इज इक्वल टू एन ए वी डी अप्लाई करेंगे आई की वैल्यू जो दी गई है दैट इज 16 एन की वैल्यू आपने 5 इंटू टेन की पार 6 इंटू में 6.02 पॉइंट जीरो की पार ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सिक्सटी में ई की वैल्यू वन पॉइंट रेस टू द पावर माइनस में एरिया इज टेन की पार माइनस में वी

तो मैंने कहा थ्री बाई फोर और फोर बाई थ्री सीरीज में तो तो अकॉर्डिंग टू दिस यदि सर्किट में करंट की बात करेंगे तो यहां से सर्किट में जो करंट आ रहा है ट्वेंटी फोर एम्पियर आ रहा है और ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है

एक्स वाई में से जो करंट फ्लो करके गया है एम्पियर में दैट डाटा इज टू एम्पियर सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर आ गया जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो चलिए सेवन के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट एट में बोला जा रहा है कि एक बैटरी का ईएमएफ बारह वोल्ट है और इसको एक ऐसे वायर के अक्रॉस जोड़ा गया है जिसका लेंथ फोर मीटर है लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर हैविंग रेजिस्टेंस फोर ओम पर मीटर इसका रेजिस्टेंस फोर ओम पर मीटर तो टोटल रेजिस्टेंस सिक्सटीन सिक्सटोन और ये एट कितना ट्वेंटी

अब मुझे वो लेंथ चाहिए जिसके लिए ये बैलेंस होगा तो सबसे पहले तो ई e इक्वेलेंट निकाले टू बाई टू प्लस वन अपॉन आर टू यहां से सोल्व किया दिस डाटा इज वन प्लस टू बाई थ्री दट इज फाइव बाई थ्री दस इज वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स दट वेल यूज एलसी फोर टू बाई थ्री

कि जो बैलेंसिंग लेंथ होगी इन दोनों बैटरीज के लिए दैट इज 1.25 मीटर सो करेक्ट आंसर इज 0 1.25 मीटर चलिए 8th के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं नाइन में बोला गया है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इन द फॉलोइंग फिगर इस डायग्राम में वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है देखो ये 500 ये 500 तो ये कितना बचा 250 ये 250 और ये 500 तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 1/3 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 2/3 तो इसकी जो रीडिंग अपने पास आएगी द रीडिंग इज 10/3 वोल्ट मतलब 0 3.33 वोल्ट चलिए 9 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 10 में बोला जा रहा है कि इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट रेजिस्टेंसिस आर कनेक्टेड एस shown इन द फिगर द बैलेंसिंग लेंथ इज l1 इज 55 सेंटीमीटर पहले तो यदि ये 55 है तो मैंने कहा 3 अपॉन q दैट इज 55 अपॉन 45 यहां से q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास

इस सर्किट को रीड्रो करते हैं रीड्रो करते हैं सुनना बात को ये सिक्स वोल्ट की बैटरी है यहाँ हमने कहा जी, देखो ऐसा बनाओ, 5 और 15 और उस 10 को पकड़ के इधर ले रेशियो देखोगे वन रेस टू थ्री वन रेश टू थ्री तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिफरेंस होगा डिफरेंस विल द करेक्ट आंसर इज जीरो चलिए ट्वेल्व के बाद क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं सुनो यदि आप इस ब्रांच को हटा के सोचते हो ना यह थ्री ओम है तो वन रेस टू टू चल रहा है अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 1.2 वोल्ट और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा कितना 3 वोल्ट यदि 3 वोल्ट है इधर भी बैटरी 3 वोल्ट की जुड़ी है तो 10 ओम के जीरो भाई आप इसको जीरो कहोगे इसको जीरो कहोगे तो इस वाले पॉइंट को थ्री कहोगे इसको थ्री तो ये भी थ्री इधर वाला जीरो

बैटरी के ई की बात की जाती है तो जो कैपिटल आर को एनर्जी दी और स्मॉल आर को एनर्जी दी वो बैटरी ने दी कितनी दी? जूल। जूल मतलब बैटरी ने 60 की की। एनर्जी डिसिपेट कितने चार्ज से? 40 से। तो क्यू इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एंड टोटल एनर्जी जूल

ये ए है तो ये भी ए है और ये बी है तो ये भी बी है तो ए से बी के बीच एक सीवन ए से बी के बीच एक सीवन बाई टू और ए से बी के बीच एक सीवन तो ये C1, ये दैट इज इज एंड दिस वन सो जो निकल के आया वो फाइव सीवन बाई टू आया और फाइव सीवन बाई टू जो है ना दैट इज वन बाई फोर माइक्रोफेरेड अब वन बाई फोर आ रहा है तो ये डाटा टू टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो सीवन की वैल्यू जो आई दैट इज दन बाई टेन माइक्रोफेरेड तो माइक्रो माइक्रोफेरेड में ये वाला डाटा जो आ रहा है ज जीरो पॉइंट वन माइक्रोफेरेड और हमें वैल्यू बतानी जो जीरो बता so अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 16 के बात और सी टू दस माइक्रोफेरेड का है मेरे को इफेक्टिव कैपेसिटी बताया ए और बी के बीच तो थोड़ा सा पकड़ के जैसे ही इसको फैलाएंगे देखो ये ए ये सी ये वाला डी

और उनका सी इक्वेलेंट फोर इक्वेलेंट है इसका मतलब हर एक जो है वो बीस का होगा उसके बाद यदि उनको किसी 400 वोल्ट के source के में जोड़ दिया जाए तो एनर्जी कितनी होगी मैंने कहा सुनो देखो वन बाई टू इन टू में सी इक्वेलेंट फाइव सी हो जाएगा और चार सौ वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस जोड़ा है तो हाफ सी बी स्क्वायर अब यहां से पावर की बात करें एक दो तीन चार पांच छह गई

तो यहां से यदि बात करें तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो थर्टी सिक्स बाई फोर आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नाइन माइक्रो फेरेट ओके डियर सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस डिस्कशन मिलते हैं फिर बाद में तब तक के लिए गुड बाय